हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से सब्सक्राइबर रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा अपडेट्स आ चुका है। अगर आपके चैनल पे भाई 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट है तो इसका फायदा आप बहुत आसानी से ले सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको फायदा भी मिल सकता है। और बहुत सारा मेट्रिक्स में, बहुत सारा वाई स्टूडियो के अंदर एनालिटिक्स में, और बहुत सारा नया नया टैप्स जो है वो यूट्यूब लेके आने वाला है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हर एक अपडेट्स के बारे में आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। इसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा एज ए क्रिएटर आपको खबरें मिलने वाला है। और अगर भाई हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर देना, कुछ तो करना। और अगर आप विनर बनना चाहते हैं और आपके चैनल की जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो मैं कोड दूंगा इस वीडियो में, उस कोड को आप कॉमेंट में जाके एक प्यारा सा कॉमेंट भी आप कर देना। तो चलिए हम एक एक करके मैं यहाँ पे आपको अपडेट्स बता देता हूँ, एक करके बताऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बाद में बताऊंगा, तो उल्टा में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो अपडेट्स है फ्रेंड्स, वो मैं बताता हूँ कि हमारे जो ट्रिम सेक्शन होता है, जब भी हम वीडियो में कुछ गलत चीज करके वीडियो को अपलोड कर देते हैं, इसके बाद जो एक ट्रिम का एडिट सेक्शन आता है, जहां पे जाके हम वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद भी, वो जो सेक्शन है फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ चेंजेस YouTube लेके आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलरफुल यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे क्या होता है कि पीछे से या फिर आगे से ट्रिम करने में दिक्कत आता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरी जो चीज़ है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सारे लोगों को इसका इंतज़ार है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो यहाँ पे म्यूज़िक यूज़ करते हैं, किसी भी वीडियो में जब आप म्यूज़िक यूज़ करते हो ना, तो उस वीडियो की रीच जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा, आप अगर किसी भी म्यूज़िक यूज़ करते हो वीडियो में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बन जाता है, वॉच टाइम लोग ज़्यादा देते हैं, और वीडियो आपका बहुत ज़्यादा आगे जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ऐसे में से म्यूज़िक का अगर आप यूज़ कर ले तो आपकी वीडियो में, तो आपको कॉपीराइट क्लेम आने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। YouTube यहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक कंपनी के साथ यहाँ पे टाई अप करने वाला है, और इससे क्या होगा, आगे जाके आपको ऐसा बहुत सारा पॉपुलर म्यूजिक भी आपको YouTube के स्टूडियो के अंदर आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, जो आप यूज करके बहुत अच्छा एक क्वालिटी वीडियो बना सकते हो, और आपकी जो वीडियो की रीच है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। अभी तक लॉन्च ये नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद लॉन्च होगा। अभी कुछ यहाँ पे कुछ चैनल में यहाँ पे दे दिया गया है, जो एक टेस्टिंग मूड में है, अगर सफल रहा तो बाद में सभी को मिल जाएगा। और वर्ल्ड वाइड भाई इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि म्यूज़िक तो हर वीडियो में लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लगा लेते हो और अच्छा म्यूज़िक होता है, और इसके साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा रहता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा आगे जाता है। इसके बाद जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा वो है फ्रेंड्स, आपकी वीडियो की कॉपीराइट क्लेम के बारे में। बहुत लोगों को अगर आपकी वीडियो में या फिर आपका म्यूज़िक किसी भी चीज पे अगर एक बार कॉपीराइट क्लेम आता है, तो इसको ढूंढने में कुछ लोगों का दिक्कत होता है। लेकिन YouTube आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि बहुत अच्छा यहाँ पे एक डैशबोर्ड यहाँ पे टूल लेके आने वाला है, जिसपे आप बहुत आसानी से प्रेस करके आपको जो स्टूडियो एनालिटिक्स है वहां पे जाके आप इस चीज को देख सकते हो, और बहुत आसानी से आपको पता भी चल जाएगा कि आपको म्यूजिक पे या फिर आपके वीडियो के किस पार्ट में कहां पे आपको क्लेम का प्रॉब्लम आया है, और कैसे आप इसे रिमूव कर सकते हो। वो भी सारा चीज यहाँ पे अगर आप टैप करोगे तो प्रोसेस के अनुसार यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको इस चीज को समझ पाओगे। अब दोस्तों बात करता हूं बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिनका 500 सब्सक्राइबर भाई कंप्लीट हो चुका है, उनका तो आपको पता है कि कम्युनिटी टैब का जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाता है। और अगर आपका एक बार कम्युनिटी टैब का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, तो आप यहां पे कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो, पोल कर सकते हो, जिसके द्वारा आपकी ऑडियंस को आप बहुत ज्यादा एंगेज कर सकते हो। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपकी कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा जो भी सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आएगा, उसका एक अलग से मैट्रिक्स आप यहां पे देख सकते हो, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कम्युनिटी पोस्ट से आपको यहां पे कितना सब्सक्राइबर आपके चैनल पे मिला है। तो आपका अगर 500 सब्सक्राइबर है तो आप भाई कम्युनिटी पोस्ट जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आपका कम्युनिटी पोस्ट जब वायरल होते आगे जाते, उससे भी आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मिलने का चांस यहां पे रहता है। दोस्तों बहुत सारा अपडेट्स यहां पे आया है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाने की कोशिश किया। अगर भाई आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे भाई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मोटिवेशन पहले का हमें बहुत ज्यादा मिलता है। और जो भी इस वीडियो में विनर है भाई, आप उनको सपोर्ट प्लीज जरूर करना, क्योंकि इससे आपको भी सपोर्ट फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं खुद जाके उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला हूं। लाइक करने के साथ साथ मिलता हूं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दीजिएगा इजाजत। जय हिंद।